स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 10 अर्थात आदि तथा मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी अगली तासिका में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। कल की तासिका में हमने हिंदी साहित्य इतिहास के कालखंड और उनके नामकरण पर चर्चा की थी और आदिकालीन साहित्य का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया था, जिनमें से जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये दो प्रधान साहित्य और रासो साहित्य की परंपरा को आपके सम्मुख रखा था। आज हम अत्यंत संक्षेप में नाथ पंथ को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। एक और बात, हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड और उसके नामकरण पर और उसके इतिहास ग्रंथों पर एक गूगल फॉर्म परीक्षा की लिंक मैंने रात में डाल दी थी, आप इस तासिका के बाद उसे छुड़ा सकते हैं या आज दिन भर में छुड़ा सकते हैं, रात को गूगल फॉर्म लिंक बंद हो जाएगी। 25 प्रश्न हैं और 100 अंक, मतलब प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के लिए, इस प्रकार से 100 अंकों का वो प्रश्न पत्र है। अब हम थोड़ा सा नाथ संप्रदाय के साहित्य पर थोड़ा सा विचार करके देखेंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था, बौद्ध धर्म में जो विकृतियां आई और जिनमें अनाचार, जारण मारण, उच्चाटन, जादू टोना, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास की बातें आ गई, तो ये क्रमशः सहजयान, मंत्रयान, सिद्धयान नामों से प्रचारित हुआ। और उन ये जो 84 सिद्ध थे, इन सिद्धों में से कुछ लोगों ने उनके प्रति विद्रोह किया और गौतम बुद्ध की परिभाषा में जिस जगत को दुख या शून्य कहा था, निरीश्वरवादी शून्य कहा था, उसी को उन्होंने ईश्वरवादी शून्य या अलख निरंजन कहा। इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रचलित व्यक्ति हैं उनका नाम है गोरखनाथ, लेकिन इस नाथ संप्रदाय को भी आपको समझना पड़ेगा, इस विकास क्रम को समझना पड़ेगा। देखिए, बौद्ध धर्म में जो हीनयान नाम का पंथ था और महायान नाम का पंथ था, हीनयान पंथी केवल मोक्ष के अधिकारी, निर्वाण के अधिकारी केवल बौद्ध धर्म में दीक्षित लोगों को ही मानते थे, इसलिए उन्हें हीनयानी कहा गया। महायानियों का यह कहना था कि मोक्ष के अधिकारी, निर्वाण के अधिकारी तो प्रत्येक मनुष्य मात्र हैं, इसलिए चाहे वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो या न हो वह महायानी कहलाए। लेकिन गलती ये हुई यहाँ कि ये जो महायानी थे, उन्होंने हिंदू धर्म के जो निचली जातियाँ हैं, तथाकथित शूद्र जातियाँ उस समय मानी जाती थी, उन जातियों से संपर्क बढ़ाने के लिए तरह तरह के अलग अलग हथकंडे अपनाए और इन हथकंडों में मंत्र मार करके, फूंक मार करके, कुछ जादू जैसा करवाना, मंत्र यानी कहलाए वो। कुछ लोगों ने जो साधना पद्धति थी, उस साधना पद्धति को इतना सहज करके बताया कि कोई भी व्यक्ति आम तौर पर उसमें शामिल हो जाए, उसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं थी, वो सहज यानी कहलाए। और इन्हीं सहज यानियों में से जो थोड़ा सा प्रयास करके सिद्ध हो गए, उनको सिद्ध यानी कहा गया। और यही बौद्ध धर्म की वज्र यानी, सिद्ध यानी, सहज यानी, मंत्र यानी धारा के जो कुछ 84 सिद्ध थे, इन्होंने साहित्य में पहली बार जनसामान्य की भाषा में जनसामान्य के लिए उपदेश किया, लेकिन इस उपदेश के पीछे थोड़ी सी असामाजिक भावना थी। हालांकि वो सामाजिक कार्य कर रहे थे, परंतु इसमें असामाजिक भावना थी। और जिस प्रकार से आज आधुनिक युग में
आचार्य रजनीश ओशो जी ने प्रयास किया था, थोड़ा सा एक अलग पद्धति का, मैं वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं करूँगा, वो आप समझ जाएंगे, मैं केवल संकेत कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों ने उस धर्म को बदनाम कर दिया। लेकिन इन लोगों में 84 जो सिद्ध थे उनमें से कुछ लोगों ने विद्रोह किया, और विद्रोह करके जो निरीश्वरवादी शून्य था बौद्ध धर्म का, उसको ईश्वरवादी शून्य अर्थात अलख निरंजन में परिवर्तित किया, और उन्होंने अपने एक अलग संप्रदाय की निर्मित की, और जिसको शिव शंकर जी से जोड़ दिया गया, जो हमारे परम योगी थे। आप जानते हैं कि शंकर जी जटा जूट पहने हुए, मृग छाला पहने हुए हमें बार बार दिखते हैं, और मेरे ख्याल से संपूर्ण भारत भर में सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी देवता के हैं तो वो शिव शंकर जी के हैं, और शिव शंकर को उन्होंने आदिनाथ नाम दिया, और यहाँ से नाथ संप्रदाय का आरंभ होता है। अब ये जो नाथ योगी हैं, नाथपंथी लोग हैं, उन्होंने जिस योग प्रणाली का प्रचार किया वह हठ योग कहलाती है। इन्होंने अपने शरीर को ज्यादा संतुष्ट करना, मन को अपने वश में करना, कंट्रोल करना, इस पर ज्यादा ध्यान दिया है, जो सहज यानियों में नहीं था। जो सिद्धों ने मन को और शरीर को एक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता दी थी, वो स्वतंत्रता का यहाँ हनन हो गया, और इन्होंने आत्मनियंत्रण, योग, इंद्रियों का दमन, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि निराकार निरंजन ऐसे परमपिता परमात्मा की पूजा आरंभ की। इनमें से आदिनाथ ये प्रथम आचार्य माने जाते हैं, इनको शिव भी कहा जाता है, शिव शंकर इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। और नाथ पंथ के लोग शिव जी को अपने पंथ का आदि प्रवर्तक मानते हैं, और उन्हें आदिनाथ कहते हैं। आदि मतलब शुरुआत, जैसे हम आदि कालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। अब इनके शिष्यों में महत्वपूर्ण शिष्य आते हैं, मत्स्येंद्रनाथ अथवा मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शिव शंकर जी के नाम पर यह संप्रदाय चलाया। ये स्वयं एक सिद्ध थे, स्वयं भी वे स्वैराचार रूपी दुख में फंसे हुए थे, और वहां से उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने उन्हें बाहर निकाला, और आगे चल करके यह संप्रदाय बहुत यानी नाम रूप को आ गया, बहुत लोकप्रिय हुआ। मत्स्येंद्रनाथ ये गोरखनाथ के गुरु थे, इन्हें अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है, और इनके साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौल ज्ञान निर्णय। कौल ज्ञान निर्णय। अब आता है क्रमांक मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरक्षनाथ का, इनको गोरखनाथ भी कहा जाता है, और इनके नाम से गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा पीठ है, और उसके इस समय के जो योगी हैं उस पद पर बैठे हुए, जो उत्तर प्रदेश के इस समय के मुख्यमंत्री हैं, आदित्यनाथ योगी जी। अब ये जो गोरक्षनाथ हैं, इनका समय संवत 1050 मतलब आदि काल का आरंभ का काल है, और सही मायने में देखा जाए तो न आदिनाथ न मत्स्येंद्रनाथ, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा कार्य करने वाला अगर कोई है तो वह गोरखनाथ ही है। इन्होंने अपने गुरु को, जो सिद्ध थे, जो स्वैराचार किया करते थे, उनको स्वैराचार से बचा करके, पहला व्यक्ति होगा जिसने गुरु को सीधे मार्ग पर लाया, ऐसे गोरक्षनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ को अनाचार से अतिचार से बचाया और बाहर लाया, और उन्होंने जो रचनाएं की हैं, जिनमें संस्कृत की रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसको जिनमें गोरक्ष गीता, हठ योग प्रदीपिका जैसे ग्रंथ हैं, लेकिन इनका हिंदी में जो ग्रंथ है उसका नाम है गोरखवाणी, या गोरखबाणी भी कहा जाता है इसे।
और गोरख बाणी का संपादन आज के समय में 1942 में डॉक्टर पीताम्बर नाथ बड़थवाल, जो स्वयं एक नाथ संप्रदाय के, पीताम्बर नाथ इस शब्द में ही आपको वो बात नजर आएगी, डॉक्टर पीताम्बर नाथ बड़थवाल जी ने 1942 में गोरखवाणी का संपादन किया हुआ है। गोरखनाथ के जो अन्य ग्रंथ हैं, जिनमें शबदी पद, शिष्यादासन, प्राण संकली, नखय बोध, आत्मबोध, अनभय मात्रा, जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मत्स्येन्द्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचधा पंचमात्रा, ज्ञान चौतीसा वगैरह वगैरह हैं। तो इनमें से सबसे प्रधान ग्रंथ है गोरख गीता, या ये संस्कृत में हुआ, हिंदी में गोरख बाणी या गोरखवाणी, जिसका संपादन डॉक्टर पीताम्बर नाथ बड़थवाल ने किया है। तो ये नाथ संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अन्य में जितने भी बड़े बड़े नाथपंथीय साधु हुए, उनमें गहनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, काणिफनाथ, ज्वालेंद्रनाथ और भर्तृनाथ का नाम आता है। इनमें से गहनीनाथ बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल करके इनका बहुत बड़ा योगदान रहा महाराष्ट्र के संदर्भ में, यहाँ ये बताने की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि गहनीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय या भागवत धर्म की पताका जिन्होंने लहराई, ऐसे ज्ञानेश्वर के बड़े भाई गहनीनाथ। और गहनीनाथ के शिष्य के रूप में हम ज्ञाननाथ या ज्ञानेश्वर को मानते हैं। उन्होंने जो ज्ञानेश्वर जी ने जो गीता का मराठी भाष्य किया, भावार्थ दीपिका श्रीमद् भगवद गीता का, वह नाथ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, यानी जिसको हम वारकरी संप्रदाय कहते हैं, इन दोनों संप्रदायों में बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और गहनीनाथ ज्ञानेश्वर के बड़े भाई और गुरु थे। और कमाल की बात है, यहाँ कमाल की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाथ संप्रदाय वैसे तो शैव संप्रदाय, शिव का संप्रदाय माना जाता है, लेकिन गहनीनाथ का सबसे बड़ा अगर कोई योगदान इसमें है तो नाथ संप्रदाय को वैष्णव अर्थात विट्ठल कृष्ण संप्रदाय के साथ जोड़ना है। और आगे चल करके ध्यान दीजिए, आपके जानकारी के लिए कह दूं कि बाद में चल करके जो शैव और वैष्णव पंथों का समन्वय हुआ, उसका आरंभ गहनीनाथ से होता है। चरपटनाथ यह भी एक महत्वपूर्ण कवि है, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि भर्तृनाथ और भर्तृहरि इन दोनों को एक माना जाता है, लेकिन ये अलग अलग हैं। अब इनको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान दें कि जो महत्वपूर्ण कवि इस काल के आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, ये इन संप्रदायों में से कोई नहीं है। न रासो परंपरा का कोई आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, न जैन संप्रदाय का, न सिद्ध संप्रदाय का, न नाथ संप्रदाय का, अपितु तीन कवि ऐसे रखे गए हैं जो इस काल के ऐतिहासिक साक्षीदार हैं, गवाह हैं, जिनमें अमीर खुसरो, विद्यापति और संत नामदेव, ये तीन हैं। हालांकि संत नामदेव ये वारकरी संप्रदाय के कवि थे, लेकिन ये हिंदी के सबसे बड़े प्राचीन कवि हैं, आदिकालीन कवि हैं, और उनका समय आदिकाल और भक्ति काल की दहलीज पर है। मतलब नामदेव एक ऐसे कवि हैं जो आदिकाल के कवि होते हुए भी आगे चल करके भक्ति काल के कवियों को प्रभावित करने वाले हैं, विशेष करके कबीर को और नानक देव जी को।
यहां मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख रखूंगा अत्यंत संक्षेप में, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम पर आप देखिए ये तो लेखी परीक्षा नहीं होने वाली है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होने वाली है। और कौन से प्रश्न आपको आएंगे, 25 प्रश्न, ये हम बता नहीं सकते। केवल हम सरसरी तौर पर उनका जायजा लेते हैं। आप इन वीडियो को बार बार देख करके उसको आत्मसात कर सकते हैं। तो जो 3 कवि इस काल के हैं, देखिए अब तक हमने जो देखा उसको एक बार मैं फिर से पुनरावृत्त करूंगा अत्यंत संक्षेप में। आदिकालीन हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, जिसमें रासो परंपरा का काव्य, उसके उपरांत आदिकालीन गद्य साहित्य की बात की हमने, आदिकालीन जैन साहित्य की बात की, उसके उपरांत सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, नाथ संप्रदाय का साहित्य आपके सम्मुख रखा। और इसमें जो 3 प्रधान कवि हैं उनको संक्षेप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करके हम आदिकालीन परिस्थितियों की ओर जाएंगे। इनमें से अमीर खुसरो अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। ये हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने लोक साहित्य रचा। लोक साहित्य का यहाँ देखिए, मैंने इससे पूर्व कहा था कि आदिकालीन साहित्य 3 आश्रयों में लिखा गया है। पहला है राज्याश्रय, इसमें रासो साहित्य लिखा गया। दूसरा है धर्माश्रय, जिसमें जैन सिद्ध और नाथ साहित्य लिखा गया। और तीसरा है लोक साहित्य। हालांकि एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि अमीर खुसरो तो राज दरबार के बहुत बड़े वजीर थे, लेकिन फिर भी वो लोक साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं। इसके कारण क्या है ये भी हम आगे बताएंगे, लेकिन विद्यापति और नामदेव को थोड़ा सा अलग रखते हुए हम केवल इस समय अमीर खुसरो पर विचार करेंगे। अमर खुसरो का परिचय करवाते समय 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं कहूंगा, जिसका उल्लेख बाद में जाकर के आदिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों के अध्ययन में हम करेंगे, क्योंकि अमीर खुसरो इस काल के सबसे बड़े दरबारी कवि हैं। दरबार में तो रहते हैं लेकिन रचते हैं लोक साहित्य, सूफी साहित्य रचते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। ध्यान रखिए, इस जमाने में जितनी भी कविताएं हो रही थी या तो ब्रजभाषा में हो रही थी या डिंगल भाषा में हो रही थी, लेकिन अमीर खुसरो पहले कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। इनका वैसे तो नाम अबुल हसन था, लेकिन बाद में इन्हें सुल्तानों के दरबारों में अमीर का पद मिला। अमीर मतलब अमीर उमराव जिसे कहा जाता है, एक बहुत बड़ा पद होता है मुस्लिम दरबारों का। उसके एक प्रधान कवि हैं। इनका जन्म सन 1254 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ था और मृत्यु 1325 में हुई थी दिल्ली में। अमीर खुसरो को अनेक भाषाएं आती थी, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की और भारत की अनेक प्रांतीय भाषाएं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पहली रचना है खालिक बारी, जो फारसी और हिंदवी का पद्यात्मक शब्दकोश है, जिसका उल्लेख गत वर्ष प्रयोजन मूलक हिंदी में हमने किया था। उनकी पहेलियां, उनकी मुकरियां, दो सुखने और गजल, ये हिंदी के पहले गजलकार हैं। और इनकी एक गजल शायद आपने बहुत बार सुनी होगी, जो हिंदवी फारसी की मिश्रित है, जिहाले मस्की मगन तुगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदार में जा न ले हूं काहे लगाए छतियां, जैसी गजल जो एक पंक्ति फारसी में है, एक पंक्ति हिंदवी में है या हिंदी में है। और इनकी पहेलियां बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, फेरा न था, मुकरियां दो सुखने। इस प्रकार से इनका लोक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका जो कविता संग्रह हिंदी का किस्सा चाह दरवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो को कभी मत भूलना, क्योंकि अमीर खुसरो प्रारंभिक कवि थे और ये संप्रदाय की दृष्टि से देखा जाए तो ये सूफी संप्रदाय में दीक्षित थे। और एक महत्वपूर्ण बात कि सूफी संप्रदाय जब भारत में आया तो उसके जो कुछ प्रधान आचार्य या पहले दरवेश थे, उनमें से निजामुद्दीन औलिया बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके नाम से दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन भी है, निजामुद्दीन।
तो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और कमाल की बात है कि अमीर खुसरो अपने जमाने में बलबन नाम के अंतिम गुलाम घराने के सुल्तान से लेकर के 8-9 सुल्तानों के वजीर रहते हुए भी धार्मिक दृष्टि से निजामुद्दीन औलिया की संगत में शिरकत होते और जनसामान्य के लिए लोकानुरंजनकारी, शब्द ध्यान में रखें, लोकानुरंजनकारी मतलब लोगों के मनोरंजन के लिए कविता लिखते थे जिनका दरबारी साहित्य से कोई वास्ता नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूँ, आमिर खुसरो का महत्व इसलिए है कि उन्होंने लोकानुरंजनकारी काव्य लिखा जिनमें पहेलियां, मुखरियां, दो सुखने, गजल ये सारे प्रकार उन्होंने आजमाए। हालांकि वो फारसी के बहुत बड़े कवि थे, उनके बहुत सारे ग्रंथ फारसी में हैं, लेकिन हिंदी में उनने जो लिखा वो आदिकाल के पहले खड़ी बोली के पहले कवि के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्राप्त, उन्हें स्थान प्राप्त है और हिंदी काव्य में एक विशेष स्थान प्राप्त है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वो कवि थे, गद्यकार थे, कोशकार थे, कलाकार थे, संगीतकार थे। और कमाल की बात, हिंदी में जो संगीत में जो हिंदुस्तानी घराना है, हिंदुस्तानी घराना यूँ कहें कि संगीत में देखिए किराना घराना, ग्वालियर घराना, वैसे हिंदुस्तानी घराने के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। और इन्होंने मृदंग को काट करके तबला बनाया और वीणा को घटा करके सारंगी बनाई, यानी साहित्य और संगीत में इनका कोई सानी नहीं है। एक अच्छे सैनिक भी थे, अनेक युद्धों में उन्होंने हिस्सा भी लिया था और सूफी संत भी थे, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुआयामी चरित्र ऐसे व्यक्ति का है। और अमीर खुसरो जैसा कि मैंने कहा कि सूफियों के जीवन दर्शन से प्रभावित थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी इच्छा पत्र में ये लिखा हुआ था कि उनकी समाधि या उनका जो कहते हैं, जो मुसलमान में दफन विधि कहते हैं, वो दफन विधि उनके गुरु के पास ही की जाए। उनके गुरु को जहाँ दफनाया गया निजामुद्दीन औलिया को, वहीं उनको भी दफनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी गुरु शिष्य परंपरा या गुरु शिष्य प्रेम का बहुत बड़ा उदाहरण भी हमें यहाँ प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण बात और भी एक है कि आमिर खुसरो ने सांस्कृतिक संगीतात्मक रीति से हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय करने का सबसे बड़ा प्रयास किया है। यूं कहेंगे कि भारत की भावात्मक एकता का बीजारोपण करने का श्रेय, सबसे पहला श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो राष्ट्रीय एकता, कौमी एकजहदी, सांस्कृतिक समन्वय के महत्वपूर्ण कवि और संगीतकार माने जाते हैं। खुसरो ने पद्य में अरबी, फारसी, हिंदी का एक बृहद कोश लिखा जिसका नाम खालिक बारी है, वो हमने आपके सम्मुख रखा। और अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों का पहला संग्रह आधुनिक काल में 1953 में काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा खुसरो की हिंदी कविता नाम से प्रकाशित हुआ। और उनका उनके काव्य में कुतुब शतक नाम का भी एक महाकाव्य है। ये सारी चीजें हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं और यहाँ कहना चाहूंगा कि अमीर खुसरो का जो प्रदेय है कि उन्होंने अलग अलग राग रागिनियों का निर्माण किया, जो हिंदुओं की संगीत परंपरा में जो गायकी परंपरा थी उसमें ख्याली परंपरा उन्होंने लाई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये हिंदी के पहले कव्वालीकार हैं। हिंदी की पहली कव्वाली, पहली गजल इन्होंने लिखी। और वो कव्वाली भी बनी कैसे, वो भी भारतीय संदर्भ में है। एक बार निजामुद्दीन औलिया के बहुत सारे शिष्य तीर्थाटन कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, प्रवास में थे, यात्रा में थे। और
वे अपनी शिष्य मंडली के साथ एक गांव को आए और उन्हें बहुत प्यास लगी। और प्यास जब उन्हें लगी तो उन्होंने आसपास देखा कि एक कुएं पर कुछ महिलाएं रहट से पानी निकाल रही हैं, और पानी निकालने के लिए जो स्त्री पहरा डाल रही हैं, ऊपर निकाल रही हैं, उस स्त्री को बढ़ावा देने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए अन्य स्त्रियां कुछ गागा करके तालियां बजा रही हैं। और ये अमीर खुसरो ने इसका निरीक्षण किया और आगे चल करके इस परंपरा में उन्होंने कव्वाली नाम की बहुत बड़ी साहित्यिक देन दी, क्योंकि कव्वाली में देखिए गाता एक है और पीछे ताली बजाने वाले अनेक लोग होते हैं। ये शायद आपने बहुत फिल्मों में वगैरह देखा होगा। तो देखिए कि हिंदी की पहली गजल, हिंदी की पहली कव्वाली और हिंदी का पहला शब्दकोश निर्माण करने वाले, हिंदी में लोकानुरंजनकारी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने इत्यादि लिखने वाले पहले कवि के रूप में अमीर खुसरो को हम स्वीकार करते हैं। अब चलते हैं दूसरे कवि की ओर। लगातार 10 बजे तक हमारा ये अध्ययन का कार्य चलता रहेगा, अध्यापन का कार्य चलता रहेगा। हिंदी के आदिकालीन एक कवि अमीर खुसरो की बात हमने की, अब चलते हैं विद्यापति की ओर। विद्यापति हिंदी के, हिंदी की एक बोली मैथिली के सबसे बड़े कवि हैं। इनका जन्म सन 1340 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के बिप्सी नामक गांव में हुआ था। फिर से सुनिए, विद्यापति का जन्म सन 1340 ईस्वी में आज के बिहार के दरभंगा जिले के बिप्सी नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम था विद्यापति गणपति ठाकुर, मतलब उनके पिता का नाम गणपति और उनका कुल नाम ठाकुर था। विद्यापति एक संक्रांतिकालीन कवि है, इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। वैसे तो ये संस्कृत के बहुत बड़े कवि हैं, जिनमें संस्कृत में इन्होंने शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा जैसे संस्कृत में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। अपभ्रंश भाषा के भी ये कवि हैं, जिन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पता का ये वीर गाथाएं लिखी। किंतु उनकी कीर्ति का सबसे बड़ा, उनके यश का, उनके नाम का सबसे बड़ा अगर कोई प्रमाण है तो वह मैथिली भाषा का पहला ग्रंथ है जिसको कहा जाता है विद्यापति पदावली। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसा अमीर खुसरो के बारे में हमने कहा कि इनका संगीत में बहुत बड़ा योगदान है, उसी प्रकार से विद्यापति का नृत्य में बहुत बड़ा योगदान है। और उत्तर भारत में आज भी विद्यापत नाच नाम से, विद्यापति नृत्य के नाम से एक जो यूं कहेंगे कि सामान्य तौर पर ग्रामीण इलाकों में जो नौटंकियां होती हैं, जो नाटक होते हैं, उनमें विद्यापति का नाच विद्यापत नाच नाम से बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपने फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियां पढ़ी होंगी तो उनमें विद्यापत नाच, खास करके रसप्रिया, रसप्रिया नाम का जो उनकी कहानी है, हालांकि वह रसप्रिया भी विद्यापति पदावली के कुछ पदों के संग्रह का ही नाम है, जिसके आधार पर वहाँ के लोक गायक, वहाँ के लोक नर्तक अपनी कला को पेश करते हैं। बहुत बड़ा नाम उनका है। यहाँ देखिए, विद्यापति को बहुत सारी उपाधियाँ प्राप्त हैं, जैसे इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। अब जयदेव कौन थे? जयदेव संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, जिन्होंने पहली बार राधा नामक पात्र की सृष्टि की, जो काल्पनिक पात्र है। श्री कृष्ण के साथ जिस राधा का हम उल्लेख करते हैं ना, वो ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वो एक काल्पनिक पात्र है। न वो महाभारत में है, न किसी अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ में है, अपितु ये जयदेव की कल्पना है। और उन्होंने जो संस्कृत में ग्रंथ लिखा, जो श्रृंगारिक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ की तरह श्रृंगारिक काव्य विद्यापति ने पदावली में लिखा, इसलिए उन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। ये मैथिली के बहुत बड़े कवि होने के कारण इसे इन्हें
मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और कमाल की बात यह है, जैसे इसके पहले भी हमने गहिनीनाथ की बात की थी कि ये थे तो शैवनाथ संप्रदाय के, लेकिन उन्होंने विश्व वैष्णव संप्रदाय में बहुत बड़ा योगदान किया। उसी प्रकार से विद्यापति स्वयं शैव संप्रदाय के थे और शैव संप्रदाय के आधार पर उन्होंने शैव सर्वस्व सार नाम का संस्कृत ग्रंथ भी लिखा है, लेकिन इनका नाम ज्यादा श्री कृष्ण और राधा की भक्ति भक्ति में आता है, क्योंकि उनकी पदावली में नायक जो है वो श्री कृष्ण है और नायिका राधा है। अब देखिए, ये थोड़ा सा समन्वय की बात, शैव वैष्णव संप्रदाय का समन्वय या अमीर खुसरो की दृष्टि से सूफी और संतों का समन्वय, इस प्रकार से बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ अत्यंत विरोधी विचारों के लोग भी एकत्र आकर के काम करते हैं। यही हमारे राष्ट्रीय एकात्मता का, कौमी एकजहदी का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये अमीर खुसरो विद्यापति और उसके पहले गहनीनाथ नामदेव से शुरू हुआ था, ये कोई आज की बात नहीं है। विद्यापति की पदावली का अध्ययन करने से पूर्व एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि उनके जो दो अपभ्रंश ग्रंथ हैं कीर्तिलता और कीर्तिपदा का, उनके आश्रयदाता जो कीर्ति सिंह थे उनके पराक्रम पर आधारित वीर गाथा काव्य है, लेकिन जो अपभ्रंश भाषा में है, न संस्कृत में है न हिंदी में, लेकिन इनकी पदावली बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह गीति काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें गीत ज्यादा है। विद्यापति सौंदर्य के कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं। डॉक्टर जयनाथ नलिन के अनुसार विद्यापति एक कवि हैं, भक्त साधक शब्द शिल्पी हैं और किसी वाद के वकील नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का वाद को उन्होंने जन्म नहीं दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि ही माना है, लेकिन कुछ लोग इन्हें कृष्ण भक्त कवि कहते हैं, क्योंकि उन्होंने विद्यापति पदावली में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों का भक्तिपूर्ण दृष्टि से वर्णन किया है। अब कुछ लोग उन्हें भक्त कवि कहें, कुछ लोग उन्हें श्रृंगारी कवि कहें, लेकिन हो तो कवि थे। और जिन लोगों ने इन्हें कृष्ण भक्त कवि कहा है, जिन उनमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बिपिन बिहारी मुजुमदार, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर शिवनंदन ठाकुर और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है, लेकिन जिन आलोचकों ने इन्हें श्रृंगारी कवि माना है उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बाबूराम सक्सेना जैसे बहुत बड़े बड़े आलोचक हैं। चाहे जो हो, ऐसा हम मान कर चल सकते हैं कि ये श्रृंगारी कवि भी थे और भक्ति कवि भी थे, या यूं कहें श्रृंगार भक्ति के कवि थे। विद्यापति के पद अधिकतर राधिका और श्री कृष्ण को नायक नायिका बनाकर लिखे गए हैं। उन्होंने अपने पदों की रचना में श्रृंगार काव्य के रूप में ही की है, भक्ति काव्य के रूप में नहीं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद इसका उल्लेख मैंने पहले किया था कि ये गीत गोविंद रचना जयदेव जी के है, जिसके आधार पर विद्यापति पदावली रची और जिसके आधार पर विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गीत गोविंद भी भक्ति की रचना है, ऐसा नहीं है। वहाँ नायक और नायिका का सर्वसाधारणीकरण किया गया है और नायक का नाम श्री कृष्ण और नायिका का नाम राधा है, इतना ही मान लेना है। यानी कुछ लोग गीत गोविंद में आध्यात्मिक संकेत मानते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं, पूर्णतः श्रृंगारी काव्य है। वैसे ही विद्यापति का काव्य भी आध्यात्मिक न होकर के श्रृंगारी ही है। विद्यापति ने इस बाह्य संसार में
भजन की बात नहीं की है। देखिए कालोचक कहते हैं, विद्यापति के इस बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वयस संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, और सद्य स्नाता नायिका जिसका वर्णन विद्यापति ने बहुत बहुत जबरदस्त किया हुआ है, जो अभी अभी नदी से स्नान करके आई हो, उसके सौंदर्य में ईश्वर कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। विद्यापति के अनूठे पद भागवत हिंदुओं द्वारा उसी श्रद्धा और लगन से पढ़े जाते हैं जैसे ख्रिस्ती लोग बाइबल को पढ़ते हैं, जैसे मुस्लिम लोग कुरान को पढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ। और एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सूफी संप्रदाय को थोड़ा सा अलग रख लिया जाए तो इस्लाम में संगीत और प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु सूफियों ने पहली बार प्रेम और संगीत को अध्यात्म से जोड़कर देखा, और यही बात हमें श्री कृष्ण के भक्त कवियों में दिखाई मिलती है कि उन्होंने अध्यात्म को थोड़ा सा अलग रख करके श्री कृष्ण के श्रृंगारी नायक के रूप को ही ज़्यादा तरजीह दी है। यही बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सम्मुख हमने रखी है। और विद्यापति की पदावली को धर्म ग्रंथ या भक्ति का ग्रंथ की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये उनकी उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि विद्यापति में जो भक्ति है उस भक्ति को हम वैराग्यशील भक्ति न कह करके माधुर्य भक्ति का नाम दे सकते हैं और उनको वैष्णव कवि भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कवि विद्यापति का परिचय किस प्रकार हमारे सामने आता है। अब इसके उपरांत हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि संत नामदेव को हम रुख करते हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में यानी गोरखनाथ सॉरी अमीर खुसरो और विद्यापति के बाद नामदेव का स्थान आता है। नामदेव को अगर हम ज़्यादा महत्व ज़्यादा डिटेल में देखें तो बहुत सारे मराठी पुस्तकों में उनकी बातें मिल जाएंगी, परंतु मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि नामदेव भारत के पहले राष्ट्रीय कवि थे। नामदेव का यहाँ मैं उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य के आरंभ में जो एक संकलन प्रकाशित किया गया गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, जिसमें केवल सिख नहीं अपितु उत्तर भारत के सारे हिंदी कवियों का समावेश किया गया था, तो संत नामदेव के भी पद उसमें सम्मिलित हैं। संत नामदेव का परिचय हम एक दो मिनट में आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन कवि थे। जैसा कि हमने नाथ संप्रदाय का उल्लेख करते समय एक बात स्पष्ट की थी कि संत ज्ञानेश्वर के गुरु गहनीनाथ ये है बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय को एकत्र किया। और संत ज्ञानेश्वर ने उस समय के जितने भी संत ज्ञानेश्वर जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु जिनके पिताजी ने संन्यास के बाद फिर से गृहस्थ धर्म स्वीकारने के अपराध के लिए जिन्हें तत्कालीन पैठन के पैठन जिसको प्रतिष्ठान कहा जाता वहाँ के धर्मपीठ ने उन्हें आत्महत्या करने का प्रायश्चित बता दिया, जिसमें उन्होंने
अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या की, परंतु ये जो बच्चे थे उनके घर में, उनको उन्होंने आगे चल करके संत संप्रदाय की स्थापना की, यूं कहेंगे कि वारकरी संप्रदाय, भागवत धर्म की स्थापना की, और उसका नेतृत्व भी किया संत ज्ञानेश्वर ने। लेकिन संत ज्ञानेश्वर से आयु में बड़े संत नामदेव थे, और संत ज्ञानेश्वर का वैशिष्ट्य है कि इस काल में उन्होंने अलग अलग जातियों के लोगों का संकलन किया, संग्रह किया, उनका एक संगठन बना दिया, जिसमें नामदेव जैसे दर्जी थे, शिंपी थे, सोखा मेळा जैसे महार थे, नरहरी जैसे सोनार थे, सावता माई जैसे माळी थे, यानी अलग अलग जातियों के लोगों का उन्होंने संगठन किया, और इस संगठन का नेतृत्व संत ज्ञानेश्वर ने किया। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी ने अभावार्थ दीपिका यह ग्रंथ लिखने के उपरांत स्वयं को समाप्त कर दिया, समाधि ली, और संत ज्ञानेश्वर के उपरांत इस वारकरी संप्रदाय का नेतृत्व संत नामदेव के हाथों में आ गया, और उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा करके भागवत संप्रदाय की पताका पंजाब के घुमान तक पहुंचाई। अब मैं यहाँ संत नामदेव जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। इनका जन्म कार्तिक शुद्ध एकादशी में हुआ था, शके 1192 में, उसके अनुसार 26 अक्टूबर 1270 महाराष्ट्र के सातारा जिले के कृष्णा नदी के पास के नरसी बामनी नामक गांव में जन्म हुआ था। कुछ लोग इसी नरसी बामनी को परभणी जिले का मानते हैं। अब यह अलग अलग प्रत्येक की बात हो सकती है। इनके पिता का नाम दामा शेठ था, इनकी माता का नाम गोणाई देवी, और इनका विवाह राधाबाई नाम के स्त्री से हुआ था, और इनके चार पांच पुत्र हैं जिनके नाम उन्होंने विट्ठल, नारायण वगैरह के रूप में, ईश्वर के नाम के रूप में रखे हुए थे। देखिए, सिखों संत ज्ञानेश्वर जी के नेतृत्व में एक बार संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा इन संतों ने की, और इनमें सबसे प्रधान, आयु में सबसे बड़े संत जो थे, जो हमारे उस्मानाबाद जिले के तेर के थे, संत गोरबा काका, इन्हें काका कहा जाता था। उस जमाने के जितने भी अन्य संत थे, खास करके संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन जो मुक्ताई थी, मुक्ताई उन्हें काका कहा करती थी। और ध्यान रखिए कि बचपन में ही संत नामदेव को ईश्वर के साक्षात्कार हो चुके थे, और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने विट्ठल को अपने हाथों से भोजन करवाया था वगैरह वगैरह, और उन्हें गर्व हुआ था इस बात का। लेकिन तेर में जब सारी संत मंडली एकत्र आई, तो आप जानते हैं कि जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं, वो जो मटका बनाते हैं, वो मटका कच्चा है या नहीं ये जांचने के लिए थापी मार करके देखते हैं। और मजाक मजाक में एक बार मुक्ताबाई ने कहा कि जिस प्रकार आप इन कुंभों को, इन मटकों को जांच करके देखते हैं, वैसे हम में से सभी का मटका जांच करके देखो। और सभी संत पहुंचे हुए थे, और सभी समर्पित थे, भक्ति से युक्त थे, लेकिन नामदेव को हुआ था गर्व, और संत गुरुबा काका ने जब उनके सिर पर थापी लगाई, तो उन्होंने कहा कि नामया कच्चा कच्चा मटका है यह। नामदेव को बड़ा गुस्सा आया, मेरे हाथ से तो भगवान ने भोजन किया हुआ है, मैं यूं हूं, मैं त्यों हूं, वो डींक हाँकने लगे। और अड़चन ये आई कि जब सभी ने उनका मजाक उड़ाया, तब उन्हें ये सचमुच लगा कि मैं बहुत अन्य लोगों से छोटा हूं, मुझे गर्व हो चुका था। और मुक्ताबाई ने
केवल मेरे गर्वहरण के लिए ये सब रचा था। तब उन्होंने ये पूछा नाम गोरोबा काका को कि ये कच्चा मटका अगर मैं हूँ तो इसे पक्का बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुमने केवल भक्ति की है, अब योग करो। और उस समय में औंढ्या नागनाथ नाम का एक बहुत प्रसिद्ध है, आज भी वो मंदिर है, उस मंदिर के जो योगी पुजारी थे जिनका नाम था विसोबा खेचर, उन विसोबा खेचर की गुरुत्व में यानी उनको गुरु बना करके आपको आगे सीखना होगा, ऐसा गोरोबा काका और ज्ञानेश्वर ने कहा। तब वे आगे जाकर विसोबा खेचर के पास गए और उनके पास योगाभ्यास सीख करके एक बहुत बड़े योगी भी बन गए, संत भी बन गए। और फिर संत ज्ञानेश्वर के पास आए और संत ज्ञानेश्वर जी ने उन्हें लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। अब संत ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि के उपरांत संत संप्रदाय का, वारकरी संप्रदाय का नेतृत्व नामदेव के पास आया और नामदेव ने बहुत सारी यात्राएं संपूर्ण भारतवर्ष में की, कभी दक्षिण भारत की, कभी कभी उत्तर भारत की, कभी पूर्व भारत की, कभी राजस्थान गुजरात पश्चिम तक चले गए। और अंतिमतः उन्होंने अपने स्थान के रूप में, अपने स्थान के रूप में पंजाब को चुना और पंजाब में बहुत बड़ा प्रचार किया निर्गुण मत का। और ध्यान रखिए कि मज़ेदार बात यह है कि नामदेव जब वारकरी संप्रदाय के रूप में हमारे सामने आते हैं तो विट्ठल के सगुण साकार के भक्त के रूप में आते हैं, लेकिन नामदेव के उत्तर भारत के हिंदी पदों को अगर पढ़ा दिया जाए तो वो निर्गुण मतावलंबी बन जाते हैं। ये एक और समन्वय की बात है कि नामदेव ने निर्गुण और सगुण का भी समन्वय किया हुआ था। नामदेव का एक महत्वपूर्ण बात और कही जाती है, एक शायद चमत्कार माना जा सकता है कि नामदेव ने एक बार एक मुगल मुस्लिम सुल्तान के दरबार में मरी हुई गाय को जिंदा किया था। एक चमत्कार माना जाता है। एक और चमत्कार यह है कि जब मंगलवेढ़ा के सुप्रसिद्ध संत चोखामेळा का संपूर्ण परिवार दीवार बनाते बनाते हुई बारिश के कारण गिर करके उसी दीवार के नीचे आकर के दब करके मर गया, तो उनकी समाधि बनाने के लिए, उनकी अस्थियों को ढूंढने के लिए पंजाब से नामदेव वापस यहाँ आए थे। ये एक प्रकार का चमत्कार माना जाता है कि उन्होंने जिन अस्थियों को उठाया, जिनमें से जिन अस्थियों में से विट्ठल 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 जब हो रहा था, वे चोखामेळा की हैं, ऐसा कहा गया। अभी इसमें सच्चाई की जगह थोड़ा सा भक्तिभाव ज़्यादा हम मान करके चलते हैं। और ये जो वारकरी संप्रदाय है, उस संप्रदाय की पताका को पंजाब तक छोड़ने में बहुत बड़ा योगदान संत नामदेव का है। और संत नामदेव का वैशिष्ट्य यूँ ये है कि संत नामदेव के अधिकतर पदों का संकलन सिखों, सिख संप्रदाय के महत्वपूर्ण ग्रंथ गुरबानी या जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, उसमें इनका संकलन हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात, संत नामदेव ने केवल निर्गुण और सगुण का ही समन्वय नहीं किया, तो उस जमाने में भारत में जो, खास करके महाराष्ट्र में जो नाथ संप्रदाय था, महानुभाव संप्रदाय था और वारकरी संप्रदाय था, इनका भी समन्वय किया हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात, संत नामदेव ने जो अभंग लिखे वो तो अभंगवाणी के रूप में प्रसिद्ध हैं। संत नामदेव पहले फड़कार हैं, संत नामदेव पहले कीर्तनकार हैं, संत नामदेव पहले संतों के जीवनीकार हैं। मतलब उस जमाने में जितने भी संत हुए उन सबकी जीवनी लिखने का कार्य संत नामदेव ने किया है, पहले आत्मकथाकार भी हम हैं। तो ये सारी चीज़ें नामदेव जी के काम की हैं। और नामदेव जी ने जो रचना लिखी उसमें से एक आपको पढ़ करके दिखाता हूँ जो हिंदी की है। हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाव जाति हरि नाव पाती, हरि नाव सकल जीवन में क्रांति, हरि नाव सकल सुखन की राशि, हरि नाम काटे
जम पासी हरि नाम सकल भुवन तत्सारा, हरि नाम नाव नामदेव उतरे पारा। हरि नाम खेती हरि नाम बाड़ी खेती बाड़ी, हरि नाम हमारे धन बाबा बनवारी। या धन की देखहुं अधिकाई तस्कर हरे न को लाए काई, मतलब तस्कर मतलब चोर चुरा नहीं सकता, इसे कोई काई नहीं लग सकती। दह दिसी राम रहा भरपूरी, दसित ही रहा राम भरपूरी, संतनी नियरे साकत दूरी। संतों को साथ रखो, शाक्त को दूर करो, शाक्त संप्रदाय एक अलग है वहां की, इसमें कोई बात नहीं है उसकी कहने की। नामदेव कहे कृष्ण मेरे कृष्ण सोई, कुंत मसाहती करे न कोई, राम सो धनता को कहा अब थोरो, आठ सिधि नव निधि कर निहोरी। हरि तो इस प्रकार से इनके काव्य हैं, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पद लिखा है जो जिनमें निर्गुण मत का समर्थन किया गया है। जैसे वे कहते हैं कि विट्ठल की पूजा मैंने ठानी, और विट्ठल की पूजा करते करते मुझे मैंने ये दूध लिया, लेकिन दूध तो पहले से गाय के बछड़े ने झूठा किया हुआ है, मैं उसे कैसे प्रयुक्त करूँ। मैंने कुछ फूल तोड़े और मैं विट्ठल की मूर्ति को समर्पित करना चाहता हूँ, लेकिन उन फूलों को पहले ही मधुमक्खियों और भौरे ने झूठा किया हुआ है, क्या करूँ, झूठनी भैला का ये करूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये, और बाद में अंत में जा करके ये एक निर्गुण संप्रदाय के कवि के रूप में सामने आते हैं। और नामदेव का सबसे बड़ा प्रभाव आगे चल करके हमें संत कबीर पर दिखाई देता है, जो भक्ति काल के पहले कवि के रूप में हमें पढ़ने हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने अगर थोड़ा सा काल निर्णय देखा जाए तो नामदेव का काल शके 1192 से 1272 तक का कालखंड है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है। और नामदेव जी का नाम अगर हम लें, मुझे लगता है कि उस्मानाबाद में जो साहित्य सम्मेलन दो तीन वर्ष पहले हुआ था, उसके पहले जो सम्मेलन हुआ था वो घुमान में हुआ था, नामदेव की कर्मभूमि पंजाब में। तो नामदेव का ये महत्व है। तो आज हमने देखिए नाथ संप्रदाय के कवियों का संक्षिप्त परिचय, उनके कुछ ग्रंथों के नाम, उसके उपरांत आदि काल के जो प्रधान तीन कवि हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उनमें से अमीर खुसरो, विद्यापति और संत नामदेव का अत्यंत संक्षिप्त में परिचय प्राप्त किया हुआ है। इनमें से पूछा कुछ भी जा सकता है, मैं कह नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है और कहना थोड़ा सा कठिन है कि क्या परीक्षा में आ सकता है। एक और महत्वपूर्ण सूचना, कल रात ही मैंने आपके ग्रुप पर जो हमारा तृतीय वर्ष का व्हाट्सएप समूह है, उस समूह पर हिंदी साहित्य के इतिहास के दर्शन संबंधी काल विभाजन नामकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास के अलग अलग ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में 25 प्रश्नों की एक गूगल फॉर्म परीक्षा कर करके डाली है, उसे आप अवश्य छुड़ाएं, उसको प्रतिसाद दें, ताकि और वो सारे प्रश्न लिख करके रखें, हो सकता है उनमें से एक दो चार प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में आ जाएं। आज रात को हम एक और प्रश्न पत्रिका केवल आदिकाल पर लेंगे, केवल आदिकाल पर, और हमारा समय समाप्त होता आया है। चलते चलते मैंने जैसे वादा किया था आपसे कि मैं आदिकाल की ऐतिहासिक राजनीतिक परिस्थितियों पर एक बार आपको ले चलूं, ताकि आपको ये इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि कौन उस जमाने में किस प्रकार का ऐतिहासिक राजनीतिक परिस्थितियां थी।
देखिए, प्राचीन काल की जो परिस्थिति है, आदि काल की राजनीतिक परिस्थिति है, उसको अगर देखा जाए तो कुछ बातें यहाँ महत्वपूर्ण रीति से हमें कहनी पड़ेंगी कि जब हिंदी साहित्य का आदिकाल आरंभ हुआ, हो सकता है आज की तासी का 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए तो सुन लीजिए। सन 1206 में आदिकाल की शुरुआत, 1100 विक्रमी संवत, 1150 मतलब लगभग वही काल आता है, 1050 यानी लगभग वही काल, 1206 में भारत की केंद्रीय राजधानी जो है दिल्ली, उस पर मुगल वंश के राजाओं का शासन शुरू हो चुका था। और मुगल वंश का पहला राजा कौन है पता है आपको? थोड़ा सा और इतिहास में बताऊं, पृथ्वीराज की हत्या के उपरांत, पृथ्वीराज की हत्या किसने की? शहाबुद्दीन गौरी ने। शहाबुद्दीन गौरी ने अपने एक गुलाम को यहाँ छोड़ा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये गुलाम वंश शुरू होता है। मतलब देखिए कि पृथ्वीराज चौहान की के पराजय के बाद गुलाम वंश के 11 शासकों ने, जिनमें से प्रधान कुतुबुद्दीन था, 84 वर्षों तक, 84 वर्षों तक दिल्ली पर राज किया। और उसके इनमें से 8 सुल्तानों की हत्या भी हुई, मतलब 11 में से 8ों की हत्या हुई। मतलब आगे आने वाला सुल्तान जो पहले सुल्तान को मार काट करके आगे बढ़ता था, ये मध्ययुगीन सत्य है, इसको हम नकार नहीं सकते। गुलाम वंश के सुल्तानों के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद लोधी वंश, मुगल वंश के पहले। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में जो, मतलब हम आदिकाल की बात अगर करें तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश के कुछ राजा इनमें आते हैं। और ये जो सुल्तान थे, इन सुल्तानों का क्या दाय है संपूर्ण भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो, एक तो पहले ये जो सारे सुल्तान या बादशाह थे ये असामाजिक थे, नृशंस थे, हत्यारे थे। जैसा कि अभी कहा कि ये जो 11 गुलाम वंश के सुल्तान थे, जिनमें से 8ों की हत्या हुई, जिनमें रजिया सुल्तान भी आ जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया पता है आपको? रजिया सुल्तान का पिता, क्या नाम उसका? शायद आपको याद नहीं होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक सुल्तान आया, देखिए मैंने नोट्स निकाल के रखे हुए हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं यहाँ। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक गुलाम जिसका नाम था अल्तमश, अल्तमश आया। और ये जो अल्तमश, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक, उसके बाद आराम शाह 1210 में, फिर अल्तमश 1210 से 1236, फिर उसके बाद रुकुद्दीन फिरोज शाह 1236, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान आती है जिसने 4 वर्ष राज किया 1236 से 1240, फिर उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, बहुत बड़ा कालखंड। फिर उसके बाद गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287, ये सबसे प्रतापी राजा था इस काल का। और उसके बाद शमसुद्दीन क्योंवर्ष 1287 लेकर के 1290 तक का 3 वर्ष का कालखंड। कुतुबुद्दीन ऐबक
मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की मृत्यु के बाद ये आया। इसके बाद अल्तमश, अल्तमश अल्तमश के बाद रुकुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्ताना। आप जानते हैं रजिया सुल्ताना, इस विषय पर ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई हैं, आपने देखी भी होंगी। तो ये वंश था जिस वंश को हमने इस काल का एक महत्वपूर्ण वंश माना था, और अमीर खुसरो बलबन से लेकर के इस गुलाम वंश के अगला जो वंश था खिलजी वंश तक के भी बहुत सारे सुल्तानों के वजीर रह चुके थे। इसका उल्लेख मैंने पहले ही अमीर खुसरो के बारे में कहा है। देखिए, तो राजनैतिक दृष्टि से डामाडोल का युग था, और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि इस समय के सारे सुल्तान अत्यंत नृशंस थे, सुल्तान अत्यंत विलासी थे, और प्रजा का केवल शोषण करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने तो जजिया कर भी लगाया था। तो ये बताने की आपको अधिक आवश्यकता नहीं है कि इस जमाने में किस प्रकार से लोगों का शोषण हुआ होगा, और ये जो आपस में ये लड़ाई भी इनकी चल रही थी, बहुत ज्यादा लड़ाई भी चली। अब जो दूसरा वंश था इस समय का, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो आपने बहुत बार सुना है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति है जिसने दक्षिण भारत पर चढ़ाई की थी। और खिलजी वंश का भी संक्षिप्त इतिहास मैं आपके सम्मुख यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ। खिलजी वंश के इतिहास में अगर देखा जाए तो ये 1200 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का कालखंड आ जाता है, जिसका पहला सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। 1290 से लेकर 1296 तक इसने राज किया, और ये चाचा था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को मार करके 1290 में हथिया ली, और बहुत बड़े कालखंड तक, 26 वर्ष तक दिल्ली पे राज किया, 1290 से लेकर के 1316 तक। इस पर पद्मावत नाम की फिल्म भी आई हुई है, शायद आपने देखी होगी, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो साम्राज्य विस्तार किया वो बहुत महत्वपूर्ण था, और इसके कालखंड में भी अमीर खुसरो वजीर थे, मतलब बलबन से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी तक वे वजीर रहे थे। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मलबार बहुत, और मुगलों से संघर्ष भी किया था, और बहुत बड़ा काम किया था। तो ये खिलजी वंश का इतिहास है। इसके उपरांत खिलजी वंश के बाद, खिलजी वंश के बाद अगला वंश आता है जिसका नाम है तुगलक वंश। और तुगलक वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बाद दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला भी है, वह है मोहम्मद तुगलक। और मोहम्मद तुगलक की विशेषता यह है कि इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, आगरे, दिल्ली आगरे से देवगिरी लाने का प्रयास किया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, और बाद में वह यहाँ पानी की कमी के कारण वह फिर से उत्तर भारत चला गया। अब तुगलक वंश में जो लोग हुए, इसमें एक महत्वपूर्ण इतिहासकार का नाम यहाँ मैं लूंगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता इस राजवंश के इसमें काम करने वाला था, और इसने जो इतिहास लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तुगलक वंश के बारे में अगर कहा जाए, तुगलक वंश के बारे में कहा जाए तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण था सल्तनत काल का जो मोहम्मद तुगलक था, उसका यहाँ विवेचन किया जाता है। और तुगलक वंश का इतिहास जो हम देखते हैं, तो ये तुगलक वंश का इतिहास 1320 से 1398 इस कालखंड का है, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक पहला था, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक जिसको पागल मोहम्मद भी कहा जाता था, फिर इसके बाद फिरोज तुगलक, फिर नसरुद्दीन तुगलक, ये चार पांच सुल्तान आ जाते हैं। ये सुल्तान भी कैसे थे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने
जनता का शोषण किया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हिंदुओं पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें। मैं केवल इतना कहना चाहता था कि इन लोगों ने भारतीय जनता को अपना कभी नहीं माना, अपितु इनका धर्म परिवर्तन करते, इन्हें मुसलमान बनाने में, इन्हें कुरान का प्रचार प्रसार करने में इनकी सारी हयात गई। और ये सारे के सारे जो अत्यंत कुरूप विद्रोही मूर्ख नालायक ऐसे सुल्तान प्राप्त हुए, इनमें से एकाध अवश्य हुआ जिसने कुछ करके दिखाने की कोशिश की है, परंतु बहुत कम लोगों ने इस ओर ध्यान दिया। अब अगला जो वंश आया है आता है लोदी वंश आता है, और लोदी वंश के अंतिम लोदी को हरा करके बाद में बाबर आया जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब जो लोदी हैं, लोदियों में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये तीन महत्वपूर्ण सुल्तान आते हैं, जिसमें से इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा करके, पानीपत की पहली लड़ाई में हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य सल्तनत लाने की कोशिश की। और ध्यान रखें कि ये जो हमारा कालखंड है, विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 तक का, इस कालखंड में ये लोधी घराने तक का कालखंड आता है। इसके बाद का जो कालखंड आता है वो सिकंदर लोधी से शुरू होता है, क्योंकि संत कबीर को सिकंदर लोधी ने मृत्युदंड दिलाने की कोशिश की थी। इस बीच देखिए एक और वंश आता है, वो है तुगलक वंश और लोधी वंश के बीच का, लेकिन बहुत कम कालखंड के लिए, जिसे सैयद वंश कहा जाता है। और सैयद वंश में खिजर खान सैयद, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह, ये कुछ महत्वपूर्ण सुल्तान हुए थे। और अगर देखा जाए इस कालखंड में धार्मिक दृष्टि से बड़ा असहिष्णुता का कालखंड था, और इस असहिष्णुता के कालखंड में इन सुल्तानों और बादशाहों ने हिंदू जनता पर बेरहम अन्याय अत्याचार किए, बेरहम टैक्सेस लगा दिए, अत्यंत विलासी रूप था इनका। और ये कहा जाता है कि इनके हरम में, इनके अंतःपुर में हजारों महिलाएं थीं, हजारों महिलाएं। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, अत्यंत गलत कालखंड था ये, अंधकार युग था, राजनीतिक दृष्टि से डावाडोल भरा युग था। कौन सा सुल्तान कब मारा जाएगा और नया सुल्तान कब आएगा, इसकी कोई गारंटी इस समय नहीं थी। और ये बहुत ही विचित्र कालखंड था, इसका हमने यहाँ उल्लेख किया हुआ है, ज़्यादा इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सामाजिक परिस्थितियों को देखें, राजनीतिक परिस्थितियों के बाद हमारा क्रम आता है सामाजिक परिस्थितियों का, सामाजिक परिस्थितियों की ओर अगर ध्यान दें तो यहाँ का जो हिंदू समाज था वो छोटी 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 जातियों में बढ़ चुका था, और यहाँ के जो हिंदू राजे थे वो छोटे 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 राज्यों में बढ़ चुके थे। इसलिए हिंदुओं का हिंदुत्व, या यूं कहेंगे कि हिंदुओं की एकता, लगभग समाप्त हो चुकी थी। हर कोई छोटा राजा दूसरे राजा पर अधिकार करना चाहता था, और कमाल की बात, उस समय के जितने भी हिंदू राजा थे, चाहे वो दो चार गांवों के राजा क्यों न हो, छोटे बड़े राज्य के राजा क्यों न हो, वो अपने आप को पृथ्वीपति कहलाते थे। और जितने भी आक्रांता आ गए मोहम्मद बिन कासिम के साथ, किसी ने भी राजा दाहिर को छोड़ दिया जाए, पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया जाए, दो चार राजाओं को, तो किसी भी राजा ने इस्लामी आक्रमण के धोखे को समझा नहीं था, उस संकट को समझा नहीं था। और इस संकट के कारण, इसका मूल कारण था, हमारी सामाजिक एकता लगभग समाप्त हो चुकी थी, हम जातियों में बटे हुए थे, वर्णवाद जातिवाद इतना बढ़ गया था कि हम अपने, और स्वार्थ की आंधी इतनी बढ़ गई थी कि जयचंद ने अपने व्यक्तिगत, ध्यान दें, जयचंद ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी बेटी का बदला लेने के लिए अपने ही दामाद को बंदी बनवाया। इससे बड़ा और क्या दुर्दैव हो सकता है? पृथ्वीराज चौहान जयचंद का दामाद तो ही तो था, संयुक्ता का
पिता ही था। तो इन जातिगत भेदभाव थे, गलत थी सारी बातें, लेकिन इन सारी गलत बातों को भी स्वीकार करना पड़ा था। और उस समय के इस्लामी आक्रांताओं को ये बहुत आसान चला गया कि हिंदुओं में न एकता थी, न राजाओं में एकता थी, न समाज में एकता थी, इसलिए सामाजिक दृष्टि से डावड़। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस जमाने की जितनी भी शूद्राति शूद्र लोग थे उनको इस्लाम बनाना बहुत आसान हो गया। और आज भारत में जितने भी मुसलमान हमें मिलते हैं उनमें से 99% यही उस जमाने के सामान्य लोग, इनको कभी लोभ दे करके, कभी जबरदस्ती, कभी तलवार का डर दिखा करके मुस्लिम बनाया गया, और इनको वापस लाने की कोशिश कभी हिंदुओं ने नहीं की। ये सबसे खतरनाक बात इस समय की थी, जाति भेद। और ध्यान रखिए कि कभी घर में पत्नी मर गई, हर व्यक्ति या दूसरी शादी कर ले या फिर सन्यासी बन करके निकल जाए घर से, यानी कमाने वाले लोग भी बहुत कम रह गए थे, सन्यासी ज्यादा हुए थे, समाज पर अवलंबित लोग ज्यादा हुए थे। और इस वजह से खास करके महिलाओं का स्थान बड़ा खतरनाक था। ऐसा माना जाता है, देखिए कि एक राजरानी, बिसलदेव रासो की राजरानी स्वयं रो रही है, राजरानियों तक की स्थिति ठीक नहीं है। और आपको पता है कि संयुक्ता जो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी, वो पृथ्वीराज चौहान की हत्या के बाद उस पर नृशंस बलात्कार हो गए, ये सच्चाई है। यानी महिलाओं का स्थान भी बड़ा विचित्र था। इतना ही नहीं, उस जमाने में जो सुल्तान थे उन सुल्तानों ने हिंदुओं की आस्था पर आघात करने के लिए, जैसे मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, ये पहला मंदिर जो तोड़ा गया था, उसी प्रकार अलग अलग सुल्तानों ने, सिकंदर लोदी ने तो न जाने कितने टुकड़े किए थे मंदिरों के। सिकंदर लोदी का स्वयं का इतिहासकार साकी मुस्ताहिद खान ये कहता है कि केशव राय के मंदिर की मूर्तियों को आगरा के मस्जिद की सीढ़ियों की तरह प्रयुक्त किया गया। इससे बड़ा और क्या, बल्कि हमारे देवताओं की मूर्तियां वहां हर रोज पैर रखने वाली सीढ़ियां बन रही थी। ज्यादा इसमें मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा इसमें भावना का आरोह अवरोह हो सकता है, इसलिए हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। सामाजिक परिस्थितियां बड़ी खतरनाक थी, धार्मिक परिस्थितियां भी खतरनाक थी, लेकिन एक जरूर सच्चाई है कि इस जमाने में जो मुसलमानों का एक संप्रदाय था, सूफी संप्रदाय, वो हिंदुओं के साथ समन्वय का प्रयास कर रहा था। इतना ही नहीं, हमारी वास्तुकला, हमारी नृत्य कला, हमारी संगीत कला, हमारे चित्रकला इत्यादि में समन्वित रूप स्थापित करने का प्रयास हो रहा था। और आर्थिक स्थिति तो बड़ी खतरनाक थी, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। साहित्यिक परिस्थितियाँ कुछ अच्छी थी, कुछ अच्छे प्रयोग हो रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति तो बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि कभी भी कौन सा सुल्तान किस राज्य पर आक्रमण करके किसे लूट ले, किस खेत को लूटपाट कर ले, किस मंदिर को तोड़ दे, वहाँ को लूट ले। क्योंकि ध्यान रखिए, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण केवल वहाँ रखे हुए सोने चांदी हीरे मोतियों के लिए किया था, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया था, केवल पैसे के लिए। और कहा जाता है कि वह 7 बार मंदिर को लूट गया, और लूटते समय वो सोना चांदी तो यहाँ छोड़ जाता था, और हीरे और मोतियों को ऊंटों पे लाद लाद कर जाता था, हजारों को। तो ये थोड़ा सा अलग है। मेरे ख्याल से अब आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ और आर्थिक परिस्थितियाँ कैसे रही होंगी। आज थोड़ा सा हम देर से शुरू हुए, क्योंकि 8:40 को हमारी तासिका शुरू होने वाली थी, वो 9 बजे हमने शुरू की, इसलिए हमारी लगभग 15 मिनट कम हो गए। और लगभग उसी प्रकार से 15-20 मिनट कम हो गए, उसी प्रकार से हमारे जो 10 बजे तासिका खत्म होने वाली थी, ये लगभग 15 मिनट ज़्यादा हो गई है, 10:15 ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से आज हमने लगातार
दो तासिकाएं हमने आपको सम्मुख रखी, इसकी यूट्यूब लिंक भी थोड़ी देर के बाद मिल जाएगी आपको। और जो अन्य छात्र नहीं आ रहे हैं, अगर आपके परिचय के हो तो उनको भी तासिका में आने के लिए लगाइए, जो नहीं आ पाता वो यूट्यूब लिंक देखें। और कल रात जो मैंने आदि और मध्ययुगीन हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों, नामकरण और उनके ग्रंथों और लेखकों पर जो 25 प्रश्नों की गूगल प्रश्न प्रश्नावली दी है, कृपया उसको प्रतिसाद आप दीजिए। फिर से आपको जय हिंदी जय नागरी कहते हुए हम यहाँ रुक जाते हैं।